नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को एक साल से भी कम वक्त रह गया है और पार्टियों ने मिशन 2024 के मद्देनजर कमर कसना शुरू कर दिया है। हिमाचल बीजेपी ने 2019 में सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद फिर से हिमाचल फतह करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है और इस टीम में बेहतरीन तालमेल जो है वो बिठाया गया है। सभी क्षेत्रों, जातियों और वंचितों को प्रतिनिधित्व देकर संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है। बिंदल की नई टीम में खास बात ये भी है कि इस टीम में धूमल कैंप के लोगों को खास तरजीह दी गई है, जिससे प्रदेश में गुटबाजी पर लगाम लगाने की उम्मीद है। 2019 के चुनाव में कमाल का प्रदर्शन करने वाली बीजेपी की नज़र 2024 पर है, लेकिन 2019 के बाद हिमाचल में बीजेपी के प्रदर्शन पर किसी की नज़र लग गई और बीजेपी ने 2023 तक हार की हैट्रिक बना ली। 2021 में बीजेपी को मंडी लोकसभा उपचुनाव और 3 विधानसभाओं में उपचुनाव में करारी हार मिली। उसके बाद 2022 में हिमाचल विधानसभा चुनाव में मिशन रिपीट का सपना चकनाचूर हो गया। फिर बारी आई नगर निगम चुनावों की, वहां भी बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हार की हैट्रिक के बाद राजीव बिंदल को हिमाचल बीजेपी की जिम्मेदारी दी गई और उनके पास अब लोकसभा की 4 सीटों पर फिर से कब्जा करने की बड़ी चुनौती है। लगातार मिली हार के चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरा हुआ है। बिंदल और उनकी टीम के पास कार्यकर्ताओं में फिर से नई ऊर्जा भरने और उनके मनोबल को फिर से ऊपर उठाने का जिम्मा है। अगर ऐसा करने में बिंदल और उनकी टीम सफल होती है तो फिर बीजेपी 2024 में इतिहास दोहराने की दहलीज पर खड़ी होगी। वहीं प्रदेश में सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। हालांकि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से बिल्कुल उल्टे हैं। विधानसभा चुनाव में चेहरा जयराम ठाकुर थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का चेहरा विपक्ष के सामने होगा और मोदी से निपटना इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी ने जहां 2024 चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दिया है, वहीं विपक्ष भी मोदी को सत्ता से बेदखल करने की पुरजोर कोशिश में जुटा है। हाल ही में हुई विपक्षी दलों की बैठक में 26 दल शामिल हुए और यूपीए को नया नाम इंडिया देकर 2024 चुनाव में शंखनाद कर दिया। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बीजेपी की नई लिस्ट तैयार हुई है उस पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। मैं किरण बाबा, भारतीय जनता पार्टी अपने विशेष नेतृत्व का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे जो जिम्मेवारी दी है इस बार डॉक्टर बिंदल जी ने अपनी नई टीम में, उसके लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल जी का, आदरणीय हमारे जयराम ठाकुर जी का और साथ में जितने भी हमारे विशेष नेतृत्व है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और साथ में ये मैं विश्वास जताती हूँ कि जो मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है कार्यालय सह सचिव की, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से निभाने की। इसके अलावा जो हमारे डॉक्टर बिंदल जी ने टीम बनाई है पूरे हिमाचल से, मुझे ऐसा लगता है वो इतनी सोच समझ कर टीम बनाई है कि हम लोग पूरी टीम मिलकर सारे जितनी भी हमारे हिमाचल की जनता है उनके साथ हम मिलकर यहाँ से एक बार पुनः 2024 में हम आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को हम यहाँ से हिमाचल से चारों की चारों सीटें जिताकर एक बार फिर उनको प्रधानमंत्री के रूप में हम देखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे यहाँ से, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे जो भी किसी को दायित्व मिलता है हम पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करेंगे और मैं विश्वास भी एक बार फिर द्वारा दिलाना चाहूँगी कि डॉक्टर बिंदल जी को भी और साथ में पूरे हमारे जो भी हमारे प्रदेश का और जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है कि हम जो भी आपके आदेश होंगे उन आदेश की हम पालना करते हुए एक बार हम फिर आपके उम्मीदों पे खरा उतरेंगे।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो करारी हार मिली है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के मुखिया को बदल दिया और डॉक्टर राजीव बिंदल जी को ये नई जिम्मेदारी दी। डॉक्टर राजीव बिंदल जी का जो अपॉइंटमेंट हुआ वो नगर निगम चुनाव से ठीक पहले हुआ, लेकिन डॉक्टर राजीव बिंदल जी नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय नहीं दिला सके। उसके बाद जैसे आगे आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक और जिला अध्यक्षों को बदला है, नए चौरों पर जो है दाव खेला है, और मुझे लगता है कि ये जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रत्याशी चुनाव में उतारे थे और वो बुरी तरह से हारे थे, मुझे लगता है कि ये जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में उसी तरह से हार होगी जैसे विधानसभा चुनाव में हुई थी। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में नई कमेटी, नई नए ब्लॉक अध्यक्ष, नए सचिव, नए जिला अध्यक्ष बना रही है, मुझे लगता है कि प्रदेश जो अध्यक्ष है डॉक्टर राजीव बिंदल जी, उनका ये प्रयोग जो है लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से विफल रहेगा, फेल होगा और हिमाचल में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत मिलेगा। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो हैं राजीव खिमटा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बलदेव राज जो हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, विनोद ठाकुर प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जो हैं उज्ज्वल शर्मा भी हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है, आपको आवाज आ रही है? जी धन्यवाद, नमस्कार। विनोद ठाकुर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बिंदल की नई टीम जो बनी है उसमें आपका भी नाम है, आपको मुबारक हो, प्रवक्ता बनाए गए हैं आप, और किस तरह से 2024 का जो चैलेंज है बीजेपी के सामने, क्योंकि 2019 में जो प्रदर्शन किया था आपने शानदार, उसको दोहराना आपके लिए चुनौती होगी, क्योंकि जो लगातार 3 हार आपकी प्रदेश में हुई है पिछले चुनावों में वो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपके जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल जो है वो लगातार हार प्रतिहार गिरता गया है, तो किस तरह से आप जो है नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं में भरेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे फिर से प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी है। इसके साथ ही आपने एक विषय जोड़ा है कि 3 हार के बाद मनोबल गिरा है या हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित नहीं है। भारतीय पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर एक इलेक्शन को, हर एक चुनाव को बहुत सीरियसली लेता है और उस चुनाव पे काम करता है। जहाँ तक आप कहा कि 2021 में हम मंडी की सीट हारे, आप सभी जानते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह एक बहुत बड़ी शख्सियत हिमाचल प्रदेश की रही हैं और उनके प्रति जो लोगों की भावनाएं थी जुड़ी हुई, उसके कारण से एक सिंपैथी फैक्टर मंडी की सीट पे चला और वहाँ केवल मात्र 6,000 वोट से, इतना बड़ा चुनाव में हम सिर्फ 6,000 वोट में से हारे। उसके बाद आप विधानसभा के चुनाव पे आ जाएं तो विधानसभा चुनाव में अगर आप पूरा वोट परसेंटेज देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में केवल मात्र 36,000 वोट, जो कि केवल 0.9% बनता है, उसका डिफरेंस है। इसके बाद आपने नगर निगम की बात की, नगर निगम के इलेक्शन में हर कोई जानता है कि पूरे प्रदेश भर से हर एक वार्ड में कांग्रेस वोट बनवाए, उन लोगों को सुबह लेकर के आए चुनाव वाले दिन और शाम को वो चले गए, उनको समस्या शिमला की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था, वो मात्र वोट डालेंगे, दैट वाज अ फिक्स्ड मैच एंड दैट हैज बीन प्लेड बाय कांग्रेस पार्टी। और जहां तक विधानसभा के भी इलेक्शन की मैं बात करता हूं, आज हमारे कांग्रेस के मित्र भी यहां बैठे हैं, 10 गारंटियों का क्या हुआ वो आज प्रदेश की जनता पूछ रही है। आज जो हमारे डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने जो कार्यकारिणी बनाई है, हर वर्ग से, हर क्षेत्र से उसमें लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी नए लोग भी जुड़े हैं, जोश से भरपूर है और हम जोश से लबालब हैं और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर चारों की चारों सीटें जीतेगी। बीजेपी दावा कर रही है कि चारों की चारों सीटें जो हैं वो 2024 में फिर से बीजेपी जीतेगी, यानी इतिहास दोहराएगी, ये दावा जो है बीजेपी लगातार कर रही है और विनोद ठाकुर भी कह रहे हैं। राजीव खिमटा जी, आप सुन रहे हैं? जी जी जी। तो जी, आपने सुना विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि हम इतिहास दोहराएंगे, कांग्रेस कहां खड़ी है,
क्या कांग्रेस लोकसभा सीटों पर जो चार सीटें हैं उन पर वैसा कमाल कर पाएगी जैसा आपने पिछले तीन चुनावों में किया, चाहे उपचुनाव थे, चाहे विधानसभा चुनाव थे, चाहे वो नगर निगम के चुनाव थे? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल सख्त है, और पिछले जिस तरह से हमारे बाई इलेक्शन हुए, चाहे मंडी का इलेक्शन था, चाहे तीन और विधानसभा के इलेक्शन थे, चाहे और बिंदल साहब तो अभी एमसी के इलेक्शन से पहले इनको अध्यक्ष बनाया गया, तो आप समझ सकते हैं कि शिमला एमसी का रिजल्ट क्या रहा, और उससे पहले भी हमारे जो बाकी एमसीज में इलेक्शन हुए तो वहां पे भी कांग्रेस का अपर हैंड रहा। तो अभी जो कांग्रेस पार्टी है और प्रदेश में जो सरकार है और ठाकुर सुंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में बिल्कुल चल रही है, और इन्होंने बात की गारंटियों को लेकर, तो गारंटी के लेकर कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है, हमने लोगों से गारंटी की वचन दिया है, और उस पर धरातल पे धीरे धीरे समय लगेगा और उतर रहे हैं। उसका जीता ज्यादा उदाहरण मैं बता दूं आपको, ओपीएस था, ओपीएस प्रदेश में बहाल हो चुका है, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बागवानों और किसानों को लेकर था। आप बागवानों को लेकर आप अगर आपका शायद हमारे प्रवक्ता भाई लोगों को भी मालूम होगा, शायद आपको मालूम होगा कि पिछले कल ही आढ़तियों की और ग्रोवर्स की एक इस तरह की सिचुएशन हो गई थी कि उन्होंने स्ट्राइक भी लगे, लेकिन हमारे बागवानी मंत्री ने साफ कहा कि जो सेब है वो किलो के हिसाब से बिकेगा, जितना लेना है ले, नहीं तो हमारे पास और भी लोग हैं जो अपने आड़त का काम कर सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि पार्टी का वचनबद्धता है लोगों के साथ, जनता के साथ, क्योंकि जनता ने विश्वास दिलाया। मंडी की सीट है, क्योंकि मंडी में खुद भी मैं इंचार्ज रहा हूँ, प्रभारी रहा हूँ, तो मंडी के समझ सकते हैं कि इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मंडी से थे, उन्होंने नारा लगाया मेरी मंडी, तो मेरी मंडी का उन्होंने नारा लगाया और काफी हद तक वो करते रहे, लेकिन बावजूद इसके कि लोगों ने कांग्रेस पार्टी को जिताया और प्रतिभा सिंह जी को वहां से जीत दिलाई, बावजूद इसके कि ठीक है हम मानते हैं कि वीरभद्र सिंह जी का कद था जो शायद किसी का कद होगा, उनका भी था प्लस था, लेकिन जिस तरह से वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने लोगों के साथ वादे किए और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था मंडी में एयरपोर्ट लगाने का, लेकिन 5 साल रहे वो ड्रीम प्रोजेक्ट पे धरातल पे नहीं उतर पाया। इसी तरह का विपक्षी जो कुल्लू का इलाका आता है, लाहौल स्पीति का इलाका आता है और किन्नौर का इलाका आता है, उस मंडी वाले पार्लियामेंट में, वहां पर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री उस तरह का विकास कर पाए हो, पर इसी कारण था कि लोगों में। ठीक है राजीव जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। उज्ज्वल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी सवाल लेना चाहूंगा। उज्ज्वल जी आपको आवाज मिल रही है? जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो बिंदल की नई टीम है, आपने सारे नाम पढ़ लिए होंगे, तो उसमें जो है धूमल कैंप के बहुत सारे लोगों को जगह दी गई है, आपको क्या लगता है कि प्रदेश में जो पिछले चुनाव हुए उसमें हार जो बीजेपी की हुई उससे सबक लेकर क्या बीजेपी ने एक तालमेल बिठाने की कोशिश की है, एक संतुलन बिठाने की कोशिश की है, ताकि 2024 के चुनाव में जो चीजें पहले हुई वो रिपीट ना हो? जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए आपने बिल्कुल सही फरमाया है, बीजेपी जो अपना विधानसभा का इलेक्शन हारी थी उसकी बहुत बड़ी वजह आपसी मनमुटाव बड़े नेताओं में, और सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि एक सामंजस्य नहीं बैठा था, और कहीं ना कहीं गुटबाजी साफ तौर पे टिकट आवंटन के बाद धरातल पे आ गई थी। लेकिन इन सभी गलतियों को हाईकमान ने बहुत गंभीरता से लिया, और सबसे पहले कमान देने का जो काम किया है राजीव बिंदल को, क्योंकि राजीव बिंदल को एक कुशल राजनेता माना जाता है, संगठन से निकले हैं, चार पांच बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, संगठन में लंबे समय तक काम किया है, और उन्हें एक फ्री हैंड दिया गया है। उनकी टीम में ज्यादातर संगठन से और आरएसएस से जुड़े उन समर्पित नेताओं को जगह मिली है जिन्होंने पार्टी के लिए काफी कुछ किया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है और चौंकाने वाली भी है कि पूरी टीम में मात्र 3 विधायक लिए गए हैं और एक सांसद है, और उनकी कसौटी सिर्फ यही है उनकी नई टीम की कि सिर्फ ऐसे लोगों को आगे किया जाए, ऐसे नेताओं को आगे किया जाए जो पूरे समर्पण से काम करें। सबसे बड़ी बात इसमें यह है जो पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को भुगतनी पड़ी कि कहीं ना कहीं धूमल खेमे को बिल्कुल साइडलाइन किया गया था और उसका खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ा। इस टीम में अगर हम इसको पूरा इसका आंकलन करें तो धूमल खेमे को प्रमुखता मिली है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जयराम ठाकुर जी के उनकी जो चॉइस थी उनको भी ध्यान में रखा गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के भी इस पसंद के इसमें नेता शामिल हैं,
कुल मिला के सभी नेताओं को साधा गया है, उनकी पसंद ली गई है, ताकि अगला जो लोकसभा का चुनाव है ये सभी नेता आपस में मिलके एकजुट होके लड़े और भाजपा को विजय दिलाए। ठीक है, कुल मिला के आपका कहना है कि एक संतुलन बनाया गया है। बलदेव राज जी आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। बलदेव राज जी, आप घुमारवीं में बैठे हुए हैं और हमीरपुर के साथ लगता हुआ आपका तहसील है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमीरपुर में जो पिछले विधानसभा चुनाव में मन मुटाव था भाजपा में, उसके चलते कहीं ना कहीं हार भी देखने को मिली, इस लिस्ट के आने के बाद क्या लग रहा है आपको कि हमीरपुर, कांगड़ा और बिलासपुर में क्या हलचल है? देखिए नमस्कार, आपने ये हमारा जो भी अभी डिबेट्स हो रही हैं, सारे प्रवक्ता भी बैठे हैं और विश्लेषक, आपने पहले ही बड़ी अच्छी बात इसमें बोल दी कि धूमल खेमे को विशेष जगह दी गई है। तो इससे एक बात तो आप भी मानते हैं कि गुटबाजी जो है वो भाजपा में और कांग्रेस में हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से बहुत घातक अपनी ही पार्टियों के लिए हो रही है। इसी का नतीजा आपको इस लोकसभा में देखने को मिलेगा। देखिए मुझे कोई हिचक नहीं है, आप देखिएगा हमीरपुर लोकसभा अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, चाहे ये दोनों पार्टियां जरूर अलग हैं लेकिन भाजपा और कांग्रेस की जो नीति है वो सत्ता नशेड़ी नीति है। इनको सत्ता चाहिए अपने अपने लोगों की कुर्सी बचाने के। तो इनका आप भावना देखना, अनुराग ठाकुर और सुखविंदर सिंह सुक्खू आपको आने वाले समय में दिखेगा कि हमीरपुर लोकसभा में सुक्खू को भी सेव किया जाएगा और अनुराग ठाकुर को भी सेव किया जाएगा। मतलब हो सकता है कि अनुराग ठाकुर हमीरपुर से ना लड़े इलेक्शन, क्योंकि यदि अनुराग ठाकुर यदि जीतते हैं बाई चांस हमीरपुर से तो सुक्खू जी पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो और जो अस्थिरता का माहौल है जैसा बोलते हैं वो भी हो सकता है। और हो सकता है कि जेपी नड्डा जी किसी अपने चहीते को, मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता, अपने चहीते को हमीरपुर लोकसभा से लड़े, क्योंकि जैसे कि यहां पे दोनों प्रवक्ताओं ने भी बोला और मैं आपको बता दूं, सुखविंदर सिंह सुक्खू एंड अनुराग ठाकुर ये एक गुट है, ये कांग्रेस भाजपा का गुट बोल रहा हूं मैं, कांग्रेस के गुट अलग है और जो अपनी सीटें बचाने के लिए गुट है वो मैं बताता हूं, जयराम ठाकुर और प्रतिभा, और ये प्रदेश देख रहा है। अब तीसरा गुट जो अब प्रदेश में बनने जा रहा है वो है जेपी नड्डा, और जेपी नड्डा आने वाले समय में जो संकेत मिल रहे हैं आने वाले समय में 24 के बाद अपने परिवारवाद राजनीति के लिए भी उत्पत्ति देख रहे हैं। चलिए ठीक है, विनोद ठाकुर जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना होगा बलदेव राज जी क्या कह रहे हैं, आप बड़सर से आते हैं खुद और आपको ज्यादा जानकारी होगी जितनी बलदेव राज जी बता रहे हैं उनसे भी ज्यादा, क्योंकि भाजपा की अंदरूनी जो कलह है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हो सकता है कि क्योंकि हमीरपुर से ही सीएम आते हैं और हमीरपुर से ही अनुराग ठाकुर आते हैं और उसी लोकसभा सीट से जेपी नड्डा भी आते हैं, तो क्या आने वाले टाइम में ऐसी गुंजाइश है कि सीट बदली जाए जो बलदेव राज जी कह रहे हैं? मैं दो तीन जो चीजें हैं जो अभी भाई खिमटा जी ने भी कही है, मेरी मंडी का उन्होंने विषय छेड़ा, तो बिल्कुल खिमटा जी मेरी मंडी की बात नहीं, उनका पूरा हिमाचल है जयराम ठाकुर जी का, और वो सम्माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने वो प्रूव भी किया कि वो मंडी में 10 में से 9 विधानसभा सीटें जीत करके लाए। सबसे पहले आपके लिए ये मंडी को लेकर के है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो बलदेव राज जी कह रहे हैं मुझे लगता है कि कोई सपन देख रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। बलदेव जी नहीं होने वाला है, अनुराग ठाकुर इज अ यूथ आइकन इन हिमाचल प्रदेश, नॉट इन ओनली हिमाचल प्रदेश, ऑल ओवर द इंडिया। और सुनिए उसके बाद वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे और यहीं से ही भारी मतों से जीत करके आने वाले हैं। अगली ये कहना चाहता हूँ कि देर इज नो कैंप इन बीजेपी, होल ऑफ द बीजेपी एंड ऑल द लीडर्स ऑफ द बीजेपी दे आर इन वन रो और सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों को बहुत इंटरेस्ट रहता है कि हम ये कहें कि इनके गुटबाजी है, इनमें कुछ और है, ऐसा नहीं। जहां तक लोग चुनावों की बात करते हैं तो विधानसभा के चुनावों की
जो 10 गारंटियां हैं मुझे लगता है कांग्रेस उनको भूल गई है। आप खिमटा जी से पूछ रही है 10 गारंटियां इनको याद है तो आज बता दें, हमारे सामने बैठे हैं डिबेट में, वो 10 गारंटियां देनी तो क्या है, ये भूल चुके हैं कि गारंटियां थी क्या। अगर एक परिवार में उन्होंने कहा था 1500 रुपए प्रति महिला को देंगे, एक परिवार तीन महिला है तो 4500 देंगे, और आपने कहा था कि हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, वो कहां है वो सारी बिजली की फ्री। ठीक है, राजीव खिमटा जी से पूछ लेते हैं। राजीव खिमटा जी, वो 10 गारंटियां जरूर बताएं। विनोद ठाकुर जी 10 गारंटियों के बारे में पूछ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसका भी आंसर दे दीजिए। और साथ ही बलदेव राज जी जो कह रहे थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर से आते हैं, वहां जो लोकसभा सीट है वहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी लड़ते हैं, जेपी नड्डा का भी अपना जिला है बिलासपुर, उसी के अंडर आता है। तो क्या लग रहा है कि ये जो है ये हमीरपुर सीट जो है वो दोनों पार्टियों के लिए इतनी अहम होने वाली है कि यहाँ नाक की लड़ाई की बात आ जाएगी? नहीं नहीं, देखिए आप, कांग्रेस पार्टी के लिए चारों जो सीटें हैं वो अहम है, चाहे वो हमीरपुर हो, चाहे मंडी हो, चाहे वो आपकी शिमला हो, चाहे कांगड़ा हो, क्योंकि हमारे लिए चारों सीट अहम है, क्योंकि प्रदेश हमारी सरकार है और हम चाहते हैं कि देश में भी हमारी गठबंधन की सरकार बने, तो इसलिए हर एक सीट हमारे लिए वैल्यूएबल है, चाहे हमीरपुर की सीट है चाहे मंडी की सीट है। रही बात जैसा इन्होंने कहा 10 गारंटियों की, बिल्कुल 10 गारंटी हमारे ओपीएस की, ओपीएस बहालों की, महिलाओं के लिए जो हमने बात की 1500 रुपए को लेकर, उसमें जो फर्स्ट फेज में है उसमें दे चुकी है। फिर तीसरी बात थी हमारी बागवानों को लेकर, कि बागवानों का जो रेट तय किए जाएंगे, और आज बड़ी खुशी की बात सुन ले आप, सुनने की क्षमता रखे आप, तो वो महिलाओं के जो आप 1500 रुपए की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी पहले ही दे रही थी 1300 रुपए, आपने तो 200 रुपए बढ़ाया केवल, और उसमें तो किस तरह से आपकी सरकार बेवकूफ बना रही है, आप इसको जरा जानिए, और इसका जवाब लोग देंगे आपको 2024 के चुनाव में। बिल्कुल, अब हम हमारे से बात है, बात है तब कहिए, पहले आप ये बताइए कि जो 15 लाख रुपए आप लोगों ने जब 2014 में आए थे, क्या आपको मिले, क्या आप लोगों को मिले, किसी को मिले, नहीं मिले। लेकिन देखिए कांग्रेस जो बोलती है वो करती है, और उसमें समय लगेगा, 6 महीने हुए अभी सरकार को बने हुए, हाँ 6 साल होते तो आपका पूछने का हक बनता कि आपने 6 साल में क्या किया। आज आपको सरकार को बने 9 साल हो गए केंद्र में, क्या 9 साल में आपने वो 15 लाख रुपए दिए, नहीं दिए, आपने जो वादे किए थे जनता के साथ किए, नहीं किए। लेकिन हमारी पार्टी, हमारी सरकार, आप सुने न, बिल्कुल बागवानों से बहुत बड़ा एक वादा था, बागवानों से वादा, यही वादा पिछली बारी आपकी सरकार से भी किया था, जयराम जी से भी किया था, और ठाकुर महेंद्र सिंह जी से भी किया था। सुने आप, महेंद्र सिंह जी ने कहा कि आपने जिसने बेचना हो बेचे, नहीं बेचना क्रेडिटों में से बेचे, लेकिन हमारी सरकार आई, स्वेच्छा दिखाई, और सुने आप, और लोगों को लेकर, क्योंकि क्योंकि अक्सर जो आपका जो हिमाचल प्रदेश है वो काफी बागवानी एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उसको लेकर खिमटा जी, ठीक है, बलदेव जी, विनोद ठाकुर जी, उज्ज्वल शर्मा जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त की कमी है। तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव हैं वो अब बहुत ज़्यादा रोचक होने वाले हैं। बीजेपी के पास चैलेंज ये होगा कि वो चारों की चारों सीटों को फिर जीत कर इतिहास को दोहराए, और कांग्रेस के पास ये एक नया टारगेट है कि वो 3 जीत के बाद एक जीत का चौका लगाने के लिए लोकसभा चुनाव में तैयार रहे। तो मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ, नमस्कार।